आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में भाजपा महानगर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमंत भोजवानी के शाहगंज रुई की मंडी निवास पर भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भक्तजनों ने कलाकार के सुंदर भजनों पर जमकर नृत्य किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में भाजपा महानगर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमंत भोजवानी के शाहगंज रुई की मंडी निवास पर भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भक्तजनों ने कलाकार के सुंदर भजनों पर जमकर नृत्य किया। कार्यक्रम में शामिल भाजपा महानगर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमंत भोजवानी ने बताया, हम सभी के आराध्य हैं। कलयुग की शुरुआत में उन्होंने कई राक्षसों का वध किया था। आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश को कोरोना वायरस से जल्द मुक्ति मिले। देखिए, आज पूरे विश्व के रचयिता भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज यहाँ रुई की मंडी में हरिओम गली में हम लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना की महामारी फैली हुई है, इसलिए हमने कुल घर में ही 10-12 लोग मिलकर के हम गीत भजन और मंगल गीत गा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, जो ये विश्व की बीमारी फैली है उसको हम निजात दिलाए और पुनः भारत इस पटल पर आए, पुनः हम पिछले अगले वर्ष फिर हम जो है धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से जिससे मना सके। कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन कर भक्त खुद को धन्य समझ रहे थे। भजन संध्या में शामिल सृष्टि भोजवानी ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उन्हें साल भर इंतजार रहता है। कोरोना वायरस के चलते मंदिरों के पट बंद हैं, इसके चलते जन्माष्टमी पर्व पर घर पर ही लड्डू गोपाल की पूजा की जा रही है। आज दुनिया के पूरे कृष्ण भगवान जी का बालनहार का जन्मोत्सव है और हम अपने घर पर ही धूमधाम से मना रहे हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगी कि ये जो कोरोना वायरस की बीमारी है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और जैसे हमने पिछले वर्ष मनाया था इसी तरीके से हम आने वाले साल में दोबारा मनाएं। आज हमारे विश्व के सबसे प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण का वो है जन्मोत्सव। आज के दिन बहुत धूमधाम मची हुई होती है शागन में, लेकिन इस कोरोना के चक्कर में हम लोगों ने कुछ खास महोत्सव नहीं मनाया गया है, बस 10-12 गरीब की हमारे पड़ोस की औरतें मिलके भजन किए। कार्यक्रम के अंत में सभी भक्तजनों में चरणामृत और पंजीरी का प्रसाद वितरित किया गया। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।